नवाबगंज के तहसील गेट पर चाय की दुकान मालिक हनीफ का आरोप है अधिवक्ता द्वारा उधारी न देने पर चाय देने से किया था मना, जिसके चलते अधिवक्ता माजिद हुसैन द्वारा साथियों के साथ दुकान पर आकर जमकर मारपीट की गई, साथ ही 7 साल के मासूम बेटे पर खोलता हुआ दूध उगल दिया गया, जिस कारण बच्चा गंभीर रूप से जल गया, जिसके चलते आज व्यापार मंडल के नेताओं द्वारा मीटिंग कर पीड़ित बच्चे के परिवार के समर्थन में खुलकर आ गए, कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द कार्यवाही करे अन्यथा किया जाएगा आंदोलन। तो वही दूसरी ओर अधिवक्ता माजिद हुसैन ने कहा कि साथी वकीलों के साथ व्यापारी हनीफ ने मारपीट व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और स्वयं के ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है, तो वही बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ अधिवक्ता समर्थन में खुलकर आ गए, जिसके चलते दोनों संगठनों में तनावपूर्ण माहौल हो गया है। पुलिस द्वारा इस गंभीर प्रकरण में अब तक कोई कार्यवाही नहीं करी गई है। कि मैं जलने में भी असमर्थ रहता हूँ, मुझे ये हर वक्त अब खतरा इन लोगों से हो गया है कि कब क्या अटैक कर देंगे, क्योंकि इन्होंने आके ही 6-7-8 लोगों के साथ और आके माजिद वकील के कहने से उनकी मौजूदगी में इन्होंने धमकी दे दी और उसे मारा लड़के को और हमारे पोते के ऊपर खोलता दूध लौटा है, जिससे लोग काउंटर में लात फिर मारी है तो काउंटर के नीचे बच्चा दब गया है, जिसमें यूनिस नाम के लड़के ने जो पड़ोस में दुकान है उसने काउंटर के नीचे से हमारे पोते को निकाला है। उसका कहना है कि अगर मैं निकालता नहीं तो पोता मर जाता। आप चाहते हैं ये जो आरोपी है अधिवक्ता लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ, इनके ऊपर कार्रवाई हो और सही मायनों में मुझे न्याय मिले। जी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज के एक व्यापारी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने एक दुकान पर जाकर हमला किया और एक बच्चे के ऊपर खोलता हुआ दूध डाला, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? भैया, ये मेरा आधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना मैंने दूध डाला है ना मैंने कोई उसकी मारपीट की है। ये पता नहीं किस साजिश के तहत किन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं और मेरे खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। हाँ, इन्होंने कुकृत किया है, इन्होंने वकीलों के साथ मारपीट की है, बदतमीजी की है, मारपीट की है। एक एससी एडवोकेट है, उन्हें चमार शब्द का इस्तेमाल करके चाय नहीं दी थी, उन सब की तहरीरें थाने में गई हुई हैं। उनसे बचने के लिए षड्यंत्र के तहत, चूंकि वो सारे मेरे जूनियर हैं, अलग अलग बैठने लगे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें कोई सत्ताधार नहीं है, बल्कि सारी गलती इनकी है। उस करमवीर एडवोकेट जो बाईकास्ट जाटा है, जब वो चाय पीने गया तो उसने जब चाय में गिलास मांगी, कुल्लड़ में दी, तो उसे कहा चमट्टे हम तुझे गिलास में चाय नहीं देंगे। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने तहरीर दी है। एक और अधिवक्ता उनके साथ है, उन्होंने बदतमीजी की, मारापीटी की, उसने तहरीर दी है। उन सबसे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ झूठा षड्यंत्र रच के और तहरीर देके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इस तरह से किया गया, अगर एक अबोध बच्चे के साथ में किसी छोटी सी बात को लेकर चाय न मिलने पर अगर इस तरीके का व्यवहार वकीलों के द्वारा किया जाता, तो मैं मानता हूं कि फिर लोगों को न्याय की उम्मीद उनसे नहीं करना चाहिए। और मैं इसमें यह भी चाहता हूं कि वकील एसोसिएशन भी ऐसे वकीलों के कृत्य की निंदा करें और जो उन्हें व्यापारी समाज को भी कहीं अनर्गल भाषा का प्रयोग करा है, जो लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो ये सोच के रखें कि कहीं ना कहीं वो भी व्यापार से जुड़े हुए हैं। व्यापारी समाज के हमारे वो उपाध्यक्ष रहे हैं मुस्तफा भाई, और उनके छोटे से बच्चे के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार करा गया। मैं ये चाहता हूँ, कानून से भी ये मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो कानून तौर पर की जाए, और अगर कानून की जाएगी तो व्यापार मंडल भी इस पर कहीं ना कहीं आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। चाह रहा हूँ, आपके साथी अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक दुकान में घुसकर मारपीट की है और एक बच्चे के ऊपर खोलता हुआ दूध डाल दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया, क्या कहना चाह रहे हैं इसको? इसमें मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि काश्मीर भी कुछ और दूध जो गिरा वो धोखे से गिरा है, जानबूझ के नहीं डाला गया। और अब जहां तक बात है कानूनी कार्रवाई की, पहले तो मैं इस पर आता था कि इसमें फैसला हो जाए, दोनों पक्ष अपने हैं और मेरा दोनों संबंध है, नजदीकी संबंध है, धर्मी संबंध दोनों से निपट जाता, बढ़ जाता। अगर नहीं निपट रहा है तो मैं बड़े सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं कानूनी लड़ाई अपने अधिवक्ता के साथ हूँ और अधिवक्ता के साथ हूँ, मैं बड़े सीधे। तो भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके? जिम्मेदार वकील को ऐसा कृत नहीं करना चाहिए हमारे व्यापारी के साथ, और हमारे व्यापारी को अगर किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला तो व्यापार मंडल व्यापारी के साथ है,
वकील ने व्यापारियों को अनगत गलत बातें करी हैं, ये पढ़े लिखे का यानी उन्होंने वो नहीं दिया है। पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस प्रशासन जो यानी जो है वो सही काम करे, तो सही काम नहीं करेगा उसके बाद हम लोग जो मर्जी होगी वो करें। जानकारी में है उस चाय वाले ने अपनी चाय की दुकान पर ही हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में भी बदतमीजी की है, जिसमें अधिवक्ता साथियों की तरफ से भी थाने में एक तहरीर दी गई है। तो अगर हमारे तहरीर पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम भी अपने हमारा संगठन भी प्रदेश व्यापी है, हम लोग भी अपने संगठन के चरण में जाएंगे, हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारा भी अधिकार। साथ ये घटना घटित हुई है, वो व्यापारी हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हाजी मुस्पाली जी, और जिन्होंने ये कृत किया है वो भी बार एसोसिएशन के एक पूर्व सचिव रहे हैं हाजी माजिद हुसैन जैदी साहब, उनके माध्यम से ये कृत हुआ है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। व्यापार मंडल हमारे व्यापारी नेता के साथ में है, जैसा हमारा व्यापारी नेता का। बच्चे तो सबको प्रिय होते हैं, सबके बच्चे प्रिय होते हैं, किसी बच्चे के प्रति कोई इस तरह की दुर्भावना किसी व्यक्ति में समझता हूं नहीं हो सकती, और खासकर बुद्धिजीवी वर्ग में आने वाले अधिवक्ता के द्वारा ऐसा कृत किया जाएगा ये संभव नहीं है।